आज सुप्रीम कोर्ट ने NET UG 2024 एग्जाम पर बड़ा फैसला दिया है। पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोपों के बीच चलिए जानते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले कोर्ट ने NET UG 2024 की पूरी री एग्जाम कराने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले। ये फैसला बहुत अहम है क्योंकि इससे 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं। कोर्ट ने पेपर लीक की बात तो मानी लेकिन कहा कि ये सीमित स्तर पर ही हुई थी। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को आदेश दिया है कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं। अब बात काउंसलिंग प्रोसेस की। मेडिकल काउंसलिंग कमिटी MCC को जुलाई के अंत तक काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। निष्पक्षता के लिए NTA को रिजल्ट्स जारी करते समय स्टूडेंट्स की पहचान छुपानी होगी। जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम से जुड़ी कोई खास शिकायत है उनके लिए कोर्ट ने रास्ता बताया है। ये स्टूडेंट्स अपने केस के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि व्यक्तिगत शिकायतों को अलग से निपटाया जाए ताकि बिना बड़े ग्रुप को प्रभावित किए इंसाफ हो सके। कोर्ट ने NTA के सिक्योरिटी बढ़ाने के प्रयासों को भी माना। इसमें GPS ट्रैकिंग और डिजिटल लॉकर्स शामिल हैं। उन्होंने भविष्य में गड़बड़ी रोकने के लिए इन उपायों को जारी रखने और बेहतर बनाने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर इस फैसले का मकसद है एग्जाम प्रोसेस की निष्पक्षता बनाए रखना और साथ ही प्रभावित स्टूडेंट्स की चिंताओं को भी दूर करना। इससे बिना पूरे सिस्टम को प्रभावित किए एक निष्पक्ष और सही व्यवस्था बनी रहेगी। NET UG 2024 के अपडेट के लिए आज बस इतना ही, और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।